भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो टॉपिक है अपना लिपण संवाद चल रहा है, उस लिपण संवाद का जो पार्ट थर्ड है वो हम आज पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमारा इसका क्या चल रहा था, जो लिपण संवाद है उस लिपण संवाद का जीवन चक्र चल रहा था। और उस जीवन चक्र को हमने बताया था कि जो त्रिपन सोमा होता है वो क्या होता है, द्यूप परकोशी होता है। अपना जीवन चक्र दो परकोशियों में पूरा करता है, जिसमें अगर प्राथमिक की बात की जाए तो इसमें मनुष्य होता है, और अगर द्वितीयक की बात की जाए तो जो वो द्वितीयक होता है वो कौन होता है, सेठी मक्खी होती है। ये तो मनुष्य के अंतर्गत हमने जो जीवन चक्र है उसको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और मनुष्य में जीवन चक्र को हमने जैसे ही कंप्लीट किया था तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, एक तो इसमें संक्रमण सबसे पहले जो व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत क्या होती है, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के बाद में वो गुणन करता है, इन्फेक्शन हो गया उसका गुणन हो गया था, और गुणन के बाद में जो इसकी अवस्था आती थी वो आती थी कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, और फिर आता था इसमें पुनः संक्रमण। ये इतने जो पॉइंट है हमने इसके अंतर्गत पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे मनुष्य के अंतर्गत। अब हमारा आज का जो जीवन चक्र चलेगा वो त्रिपन सोमा का जीवन चक्र किसमें चलेगा, सेठ सी मक्खी के अंतर्गत चलेगा। तो हमने आज की रीडिंग क्या रह जाएगी, सेठ सी मक्खी में जीवन चक्र। तो सेठ सी मक्खी में जैसे हम जीवन चक्र की हम बात करते हैं तो इसमें ये जो मक्खी के अंतर्गत त्रिपन सोमा का जो लाइफ साइकिल होगा वो निम्न चरणों में संपन्न होता है। निम्न जो चरण है उनके अंतर्गत संपन्न होगा। पहले क्या होगा, सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा त्रिपन सोमा का सेठ सी मक्खी में प्रवेश, ये इसका पहला चरण होगा। जिसमें क्या है कि जैसे ही संक्रमित जो व्यक्ति होगा, संक्रमित व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का ब्लड को सक करेगी यानी शोषण करेगी कौन, सेठ सी मक्खी। सेठ सी मक्खी जैसे ही ब्लड का शोषण करती है तो संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंतर्गत है क्या प्रेजेंट रहते हैं, त्रिपनोसोमा प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जैसे ही त्रिपनोसोमा प्रेजेंट रहते हैं तो ये उसकी जो शोषण की प्रक्रिया है उसके द्वारा ये कहां पहुंच जाते हैं, सेठ सी मक्खी में प्रवेश कर जाते हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, सेठ सी मक्खी, सेठ सी मक्खी की मध्यांत्र में परिवर्तन, यानी कि वो अब कालांतर के द्वारा किसके अंतर्गत पहुंच गया है, मिडगट के अंतर्गत पहुंच गया है। अब जैसे ही वो मिडगट में पहुंचा है तो मिडगट के जाने के साथ साथ अब उसका क्या होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही त्रिपनोसोमा उसके मध्यांतर में पहुंचता है तो उसमें वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन करता है, और गुणन के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी जो संख्या होती है उस संख्या के अंतर्गत वृद्धि करता है। साथ ही अब इसमें जैसे ही पहुंचता है तो इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होगी वो लंबवत
लंबवत द्विगु विभाजन की प्रक्रिया होगी। लंबवत द्विगु विभाजन की प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत स्टार्ट होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है और साथ ही फिर ये अगली जो स्टेज है उसमें वो पहुंच जाता है। तो फिर अगली जो स्टेज आएगी इसकी सेट सी, मक्खी सेट सी मक्खी की लार में परिवर्तन, यानी कि मध्य आंत के अंतर्गत जैसे ही ये लंबवत द्विगु विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, उसके बाद में ये शेर से मक्खी की लार ग्रंथि में चले जाता है और वहां से ये क्रिकेडियल जो अवस्था होती है कहाँ चले जाता है, ये लार ग्रंथि में चले जाता है और वहां से लार ग्रंथि के अंतर्गत जो इसकी अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, क्रिकेडिया जो अवस्था होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित तो होने के साथ साथ इसमें क्या होता है फिर अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के साथ साथ ही जो संक्रमणकारी अवस्था है क्रोमोसोमा की उस संक्रमणकारी संक्रमणकारी अवस्था में बदल जाता है। और जैसे संक्रमणकारी अवस्था में बदल जाता है तो फिर जैसे ही जो सेठ सी मक्खी होती है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये जो संक्रमणकारी अवस्था होती है क्रोमोसोमा की वो फिर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसका फिर जो लाइफ साइकिल है वो इस प्रकार से जैसे चालू होता है संक्रमण भोजन पायाकरण संक्रमण इस प्रकार से परिवर्तित होता है फिर ये सेठ मक्खी में होता है। तो इसका जो जीवन चक्र है क्रोमोसोमा का वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसको एक आपको डायग्राम के द्वारा भी मैं बता सकता हूँ कि डायग्राम से आप कैसे इसको समझ सकते हैं। तो डायग्राम में बना रहा हूं सबसे पहले जो क्रोमोसोमा है उसकी ये संक्रमणकारी अवस्था होती है, ये इसके अंतर्गत केंद्रक केंद्रिका केंद्रक है केंद्रिका है साथ ही इसके अंतर्गत ये काइनेटोप्लास्ट है और ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, ये तरंगित पसार बनाता है, ये इस प्रकार से तरंगित पसाव बनाता है। फिर इसमें क्या होता है संक्रमण के बाद में इसमें लंबवत द्विगु विभाजन की प्रक्रिया होती है, ये इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य और इसमें लंबवत द्विगु विभाजन की प्रक्रिया होती है और उस लंबवत द्विगु विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ये इस प्रकार से जो अपन ने इसका जो जनन है उसमें पढ़ा था काइनेटोप्लास्ट, ये काइनेटोप्लास्ट और ये ब्लेफेरोप्लास्ट और ये इस प्रकार से ये लंबवत द्विगु विभाजन के द्वारा दो पुत्री लंबवत द्विगु विभाजन लंबवत द्विगु विभाजन के द्वारा ये दो भागों में बढ़ जाता है और बढ़ जाने के साथ साथ ही इसकी जो मतलब अवस्था आती है उस अवस्था का नाम है स्टम्पी या छुट्ट अवस्था, स्टम्पी या छुट्ट अवस्था जिसके अंतर्गत ये क्या करता है जन्म करना बंद कर देता है और ये स्टम्पी या जो छुट्ट अवस्था होती है इसके अंतर्गत जो पसार होता है उस पसार का क्या होता है अभाव होता है।
स्टम्पिंग स्टेज, या इसको बोलते हैं चुट अवस्था। अब ये जो अवस्था होती है यहां तक की, जो किसके अंतर्गत होती है, मनुष्य में होती है। अब यहां से जो स्टम्पिंग या चुट अवस्था होती है ये कहां चली जाती है, कि सेक्सी मक्खी के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। सेक्सी जो मक्खी होती है उसके अंतर्गत ये प्रवेश कर जाती है स्टम्पिया चुट अवस्था। और इसमें क्या होता है कि लंबवत द्विभाजन, तो यहां से आप लिख सकते हैं सेक्सी मक्खी। इस सेक्सी मक्खी के अंतर्गत ये क्या करता है, लंबवत द्विभाजन करता है इस प्रकार से यहां। और लंबवत द्विभाजन जैसे ही करता है ये, तो फिर ये इसके अंतर्गत वो काइनेटिक मास और जो ब्लेटिलोकास्ट है उसका क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। और दो उत्तरी जो ट्रिपनोसोमा की संक्रमणकारी अवस्था है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक केंद्रिका और ये इसकी ब्लेटिलोकास्ट होती है, यानी कि जो प्रीक्लिडियल अवस्था होती है उसके अंतर्गत पहुंच जाता है। तो प्रीक्लिडियल जो अवस्था है ट्रिपनोसोमा की, तीसरी जो भावुकता के अंतर्गत पड़ते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, जो ब्लेब्लास्ट और कार्नेटोप्लास्ट है वो केंद्र के ऊपर की ओर होती है। और फिर इसके बाद में ये ट्रिपनोसोमा की जो संक्रमणकारी अवस्था है उस संक्रमणकारी अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत लाइफ साइकिल है वो क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है किसके अंतर्गत, ट्रिपनोसोमा के अंतर्गत। अब नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत आती है पैथोजेनेसिस, यानी कि रोग जनकता। अगला टॉपिक इसके अंतर्गत क्या होता है, पैथोजेनेसिस या फिर कह सकते हैं रोग जनकता, यानी कि कौन सा जो रोग है ये फैलाता है या फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको नाम को हम जैसे स्पष्ट करेंगे तो पैथोजेनेसिस या अपन इसको हिंदी बोलते हैं रोग जनकता, रोग जनकता। तो ट्रिपनोसोमा के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको ट्रिपेनोसोमियसिस के नाम से उसको जाना जाता है, यानी कि जो ट्रिपनोसोमा है उस ट्रिपनोसोमा से उत्पन्न बीमारी को जो नाम दिया गया है वो है ट्रिपेनोसोमायसिस के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रिपेनोसोमियसिस के नाम से इसकी उत्पन्न जो बीमारी है उसको है जाना जाता है। साथ ही इसके द्वारा निद्राकारी रोग उत्पन्न होता है, रोग है उसका नाम क्या है, निद्राकारी रोग, निद्राकारी रोग या अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, अफ्रीकन निद्रा रोग। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको क्या आता है, नींद अधिक आती है इसके, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये अपना जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क का जो भाग होता है प्रेमस्तिष्क, और उस प्रेमस्तिष्क के मेरु जो द्रव्य होता है उस मेरु द्रव्य को क्या करता है, ये संक्रमित करता है। प्रेमस्तिष्क में द्रव्य है उसको संक्रमित करता है जिससे व्यक्ति को अधिक नींद आती है और इससे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इससे अगर उपचार किया जाए तो गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया,
अब इसके बाद हम रोग के जो लक्षण हैं उन लक्षणों की हम बात कर लेते हैं। रोग के लक्षणों में क्या है, एक तो देखो नींद अधिक आती है, ये इसका एक लक्षण है। व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को नींद अधिक आती है, साथ ही उसके जो शरीर है उस शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, हमेशा उसका क्या रहता है सिर दर्द करता रहता है। साथ ही उसके अंतर्गत ये होता है कि रोगी को घबराहट व मिचली आती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, हाथ पैर वो क्या करने लग जाते हैं दर्द करने लग जाते हैं, और साथ ही जो रोगी है वो कैसा हो जाता है कमजोर हो जाता है, और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, भी कमजोर हो जाती है। ये किसके क्या है भाई, नींद अधिक आना है, तापमान का बढ़ना है, सिर दर्द होना है, रोगी को घबराहट होती है, मिचली आती है, हाथ पैर में दर्द होता है, साथ ही उसको रोगी कमजोर हो जाएगा और उसकी जो याददाश्त है वो कम हो जाएगी। अब अपन याद करते हैं रोग का निदान, यानी कि रोग है उससे हम कैसे पता लगाते हैं डायग्नोसिस, तो आपको ब्लड टेस्ट के द्वारा रोग का पता लगाया जाता है। जो ब्लड टेस्ट होता है उसके द्वारा हमें जो रोग का है पता लगाया जाता है। उसके बाद में हम जो रोग का उपचार है क्या करेंगे भाई, रोग का उपचार। अब उपचार के लिए कुछ इसकी दवाइयां हैं, जैसे सोडियम सुरा में, दवाई का नाम क्या है इनका नाम सोडियम सुरामीन है, साथ ही एक इसमें आती है एटॉक्सिल है, इसके अंतर्गत एटॉक्सिल है और पैरासिटामोल है वो तो दर्द निवारक है, वो इसके अंतर्गत दे दिया जाता है। साथ ही इसमें आता है ट्रिपोमाइड, ट्राई पेरसेमाइड भी इसके अंतर्गत आता है। माइडियर जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो अपन ये दवाई है सोडियम सुरामेट है, एडॉक्सिल है, ट्राई पेरसेमाइड है, वो इसके अंतर्गत दे सकते हैं। इसके बाद इसमें सावधानियां क्या है भाई, एक तो अपना जो घर होता है उस घर के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, साथ ही आप जब खाना खाए तो हाथों को साबुन से धोएं, हाथों को जो साबुन है उससे धोना चाहिए, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, साथ ही जो भोजन है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और जहाँ यह है जब भी घर के आसपास जो झाड़ियाँ वगैरह होती है उनको क्या है साफ कर देना चाहिए, यानी कि स्वच्छता का विशेष ध्यान है जो इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब इस प्रकार से हमारा जो ट्रिपनोसोमा है वो क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक आता है इसके अंतर्गत वो आता है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया। ये ट्रिपनोसोमा की रोगजनकता वगैरह है वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है लिस्मेनिया। ये
जीवन चक्र को हम जैसे ही पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन को इसका क्या पढ़ना पड़ता है, वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है, किसका, लिस्मेनिया। तो लिस्मेनिया का हम जैसे ही वर्गीकरण देखते हैं तो इसका वर्गीकरण है जो सेंसाटी होता है किसके समान होता है, वो ट्रिपनोसोमा के ही समान होता है, लिस्मेनिया। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत इसका जो संघ होता है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। संघ क्या है, प्रोटोजोआ। उपसंघ सार्कोमेस्टिस गोफोरा है। अधिवर्ग मेस्टी गोफोरा है, और जो वर्ग है वो क्या है इसके अंतर्गत, जू मेस्टी गोफोरा है। वर्ग है जू मेस्टी गोफोरा है, और गण की अगर बात करी जाए काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा इसका क्या है, गण है, और इसकी जो वंश है वो वंश क्या है, लिस्मेनिया, लिस्मानिया। और जो जाति है वो जाती है दोनों बारी। ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन। अब अगर हम इसकी बात की जाए तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वितरण। विश्व के जो 80 देश है, 80 देशों में ये पाया जाता है, जिसमें से ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसकी तीन जातियां हैं, लिस्मानिया दोनों मिला है, दोनों बनी है, दोनों बनी। एक इसकी ट्रोपिका है, और एक जो राशि है उसका नाम है बेजरेंसियस। तीन इसकी जो जातियां हैं वो सामान्यतः पढ़ेंगे, और उन जातियों के अंतर्गत हम जैसे इसका अध्ययन करते हैं तो वो कौन कौन सी है जातियां, उन जातियों की हम बात करते हैं तो लिस्मेनिया दोनों वनी या वानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक लिस्मेनिया ट्रोपिका इसकी जाति है, और एक जो जाति है लिस्मेनिया वो उसका नाम है ब्रेजिलिएसिस। ये इसकी जातियां है। इसकी विशेषता यह है लिस्मेनिया की कि इसकी जो जातियां है विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार के जो रोग है वो मानव शरीर के अंतर्गत फैलाती है। तो हम जैसे ही बात करते हैं इसकी आवास एवं शैवाल की, अगला प्रश्न क्या रहता है इसमें, आवास एवं शैवाल। तो ये ध्यान रख लेना, ये तो अंतः परजीवी है, और अंतः परजीवी के साथ साथ ही ये जाली का वर्ग, जो जाली का वर्ग जो जगह होती है लिस्मेनिया के अंतर्गत वो रेटिकुलम एंडोथीलियम के नाम से, मतलब इसको जाना जाता है जाली का वत जगह को, जाली का वत अंतर स्तर होता है वहां पर ये पाया जाता है, जिसे
रेटिकुलम ये यहां लिखता हूं, रेटिकुलम एंडोथेलियम। ये उन उत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है जिनका मतलब कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, जाल का मतलब जो जाल होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। इससे उत्पन्न जो बीमारी होती है उसको लिस्नेनियसिस के नाम से जाना जाता है। उत्पन्न जो बीमारी होती है उसको लिस्नेनियसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके अभी तक आपका क्या पढ़ा, एक तो वर्गीकरण पढ़ लिया, एक इसका क्या पढ़ लिया हमने, वितरण पढ़ लिया, और वितरण के साथ साथ इसका आवास स्वभाव और इससे जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग का नाम दिया जाता है लिस्नेनियसिस, इस नाम से इसको जाना जाता है। अब हमारा आगे जो पॉइंट आता है इसका, वो आता है कि लिस्मेनिया है वो क्या है, एक द्यू परपोषी है, अपना जीवन चक्र है दो परपोषियों के अंतर्गत पूरा करता है। पहला इसका है सैंड फ्लाई, मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही ये इसकी भी एक जाति है, उस जाति का नाम है प्लेगोटोमस, एक जाति है इसका नाम है प्लेगोटोमस। ये जो प्लेगोटोमस होता है ये प्लेगोटोमस अर्जेंटियाई होता है, अर्जेंटियाई ये अर्जेंटियाई होता है। ये क्या करती है, इसके अंतर्गत रोग कार्य अंतर इसका बाहर का कार्य करती है। अगर इसकी हम बात की जाए जो लिस्मेनिया है, उस लिस्मेनिया की जो संरचना होती है वो संरचना ट्रिपनोसोमा होता है, उस ट्रिपनोसोमा की क्या होती है, समान होती है, और इसके अंतर्गत जो अवस्थाएं पाई जाती है वो दो संरचना अवस्थाएं होती है, दो संरचना अवस्था होती है। उसके अंतर्गत एक तो इसमें होता है एपिमेस्टिगोट, एपिमेस्टिगोट, और दूसरा होता है प्रोमेस्टिगोट। ये दो संरचना अवस्थाएं होती है एपिमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट है। एपिमेस्टिगोट की हम जैसे ही बात करते हैं तो इनके मतलब आपको संरचना के बारे में है, जो ट्रिपनोसोमा है उस ट्रिपनोसोमा की जो संरचना है उस संरचना से ही इसके बारे में लिखना है। साथ ही अब ये जो जातियां होती है मनुष्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो रोग है वो फैलाती है, और उन रोगों के साथ साथ ही ये मनुष्य को कई परेशानियां है वो उत्पन्न करती है, जैसे आंत्रांगी विसरल लिस्मेनियसिस या काला आजार, आंत्रांगी विसरल लिस्मेनियसिस या काला आजार। ये रोग मनुष्य के अंतर्गत जो फैलाती है और उस फैलाने वाली जो जाति है उस जाति का नाम है लिस्मोनिया डोनोवनी। ये जो लिस्मोनिया डोनोवनी है इसके अंतर्गत रोग को फैलाती है, जिससे मनुष्य के अंतर्गत जो पिलिया है, लीवर है और जो इसकी किडनी है उन पर क्या पड़ती है, ये इफेक्ट पड़ती है, प्रभावित करती है। साथ ही इस रोग के अंतर्गत जो लक्षण दिखाई देंगे उन लक्षणों के अंतर्गत आरबीसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही इसमें बेचैनी व घबराहट उत्पन्न होती है,
अगला ग्रहण लक्षण की बात की जाए तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को बुखार व जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ा हमने, आंत्रांगी मिश्रक या इसको मिस्मेनियस इसके नाम से जाना जाता है या इसको कहा जाता है काला अजार रोग, और ये जो रोग फिर आती है उसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवनी। ये जो लिस्मेनिया डोनोवनी इसकी जो प्रजाति है लिस्मेनिया की, ये मनुष्य के प्लीहा को, लीवर को और किडनी को प्रभावित करती है। साथ ही इसके जो लक्षण दिखाई देंगे वो आरबीसी का कम हो जाना, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, साथ ही उसको बुखार में कमजोर व्यक्ति पड़ जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो अगली जाति का नाम है कुटेनियसिस। क्यूटेनियसिस या इसको लिस्मेनियसिस के नाम से जाना जाता है, और ये जो फैलाने वाली जो जाति है क्रोमोसोमा की वो है लिस्मोनिया ट्रोपिका। इस जाति के द्वारा ये क्या है, रोग उत्पन्न होता है, जिसके साथ साथ ही जो मनुष्य का जो शरीर होता है उस शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, और उन फुंसियों के अंतर्गत मवाद हो जाता है, और मवाद करने के साथ साथ ही ये ओरिएंटल या गंभीर रोग या घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इससे गंभीर क्या हो जाते हैं, घाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ये घाव 4 से 6 महीने में ठीक हो जाते हैं तब तो अगर ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर इनका उपचार कराना संभव होता है, या फिर ये गंभीर घाव का भी रूप ले लेते हैं, और जिन्हें बगदाद अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। बगदाद अल्सर है, इस बगदाद अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो दो जातियां हैं, उन दो जातियों के हमने क्या पढ़े, रोग पढ़े दोनों के अंतर्गत, और इनसे क्या परिणाम है। अब इसके अंतर्गत एक जाति रही है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो रहा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत है कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है।